ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਬੱਚਾ ਹੋਤੇ ਹੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੁਮੇ ਛੋੜ ਦੇਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਆਪਕੀ ਹੋਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ ਖੁਦਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਵਰੀ ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤੋ अगर आज अम्मी अबू जिंदा होते उनको क्या मुंह दिखाते इसी घर को धोखा दिया इसी घर को नुकसान पहुंचाया जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया अच्छा मुर्तजा जो तुम इस घर के साथ कर रहे हो ना वो मेरे किए से कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान और धोखा है आनिया तुम किससे ना बात कर रही हो मुर्तजा से ये तुम्हारे माँ बाप की जगह है इज्जत क्या करो उसकी मैं जो कह रही हूँ मुर्तजा को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है लेकिन आप नहीं समझेंगे अब सब इस घर में यही बातें करने लगे किस किस का मुंह बंद करोगे तुम किसी की बात करने से क्या फर्क पड़ता है बिल्कुल ठीक जब तुम्हारा और आफरीन का दिल साफ है तो कोई मसला की बात नहीं हमारी डील पूरी होने में सिर्फ 2 महीने तो रह गए बच्चा होते ही तुम आफरीन को तलाक देते रहे नूर अम्मी को उनका पोता मिल जाएगा और फिर ये बातें सिर्फ बातें ही हो जाएंगी मुर्तजा थैंक यू तुमने मेरा सगे भाइयों से बढ़कर साथ दिया एक बार हमारी ये डील पूरी हो जाए जो मांगना मांगना तो चाहता है कि जहाजे को सब साफ साफ बता दो कि हम दोनों मरते दम तक एक साथ रहेंगे और उससे तुमसे निकाह के ख्वाबों को चकनाचूर कर दो ऐसा होगा जरूर लेकिन ये करूंगी मैं खुद मेरा सबसे बड़ा भरोसा तो तुम ही हो मुर्तजा और मुझे जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए एक मिनट बाबा ने ये प्लॉट मेरे नाम पर ले रखा था शायद इसी वक्त के लिए अब इस पर हम अपना घर बनाएंगे हमारा घर बनाएंगे मैं वादा करता हूं आफरीन मैं हमारा घर बनाना बहुत जल्द शुरू कर दूंगा इस घर ने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं हम वो सारे गम इस घर में ही छोड़कर जाएंगे और उस घर में हमारी खुशियों की आवाजें गूंजेंगी
वो आफरीन के नाम पे ट्रांसफर करना है। हाँ मैंने बताया था ना। अच्छा उनके उनके वालिद साहब के आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, आपको नंबर सेंड कर देता हूँ आईडी कार्ड का। हाँ मैं बस अभी सेंड करता हूँ आपको। जी तुम्हें पता है मुर्तजा, नूर अम्मी हमारे बच्चे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है, एक अजीब सी चमक है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी हिम्मत कहां से लाऊंगी कि उनसे ये खुशी छीन सकूं। हमें जाना होगा आफरीन। हाँ कुछ दिन तकलीफें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। ये फाइल इसे तुम बहुत संभाल कर रखना। Thank you.
क्या सोच रहे हो? देखो, कुछ भी उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो सोचने समझने का सारा वक्त निकल गया है। तो मेरी बात गौर से सुनो। जाज़ेब, वो आफरीन। क्या हुआ आफरीन को? तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी से जाके गाड़ी निकालो, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। बहुत बहुत मुबारक हो आफरीन, जीती रहो। आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मेरा कितना बड़ा ख्वाब पूरा किया है। खुश रहो, जीती रहो। आफरीन, आफरीन, आई एम रिली सॉरी। मैं जानता हूं कि मुझे इस वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए था, मगर मगर मैं क्या करता, अफसर ने रोक दिया मुझे। मैं सब जानती हूं, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम मेरे लिए इतने परेशान हो कि तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि कोई इस दुनिया में आने वाला है। प्लीज सॉरी अगेन। चल रुको, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। हाँ करो। देखो बेटा, कौन है कॉल पे? पापा है कॉल पे। देखो, हेलो करो। इतना प्यारा है ना ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुर्तजा, तुम रो रहे हो? मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं बस इसको गले लगा लूं। चलो बेबी, पापा से कहो रोए मत, हम घर आ रहे हैं। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। तुम सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे यहाँ एक नन्ना सा मेहमान आया है। नूर अम्मी, मुझे भी देना, मुझे भी बेबी को गोद में उठाना है। अभी बेबी बहुत छोटा है। लेकिन मामा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ ना। नहीं बेटा, इतने छोटे बेबीज को सिर्फ उनके पेरेंट्स गोद में लेते हैं। हाँ जाज़ेब, कंग्रेचुलेशंस, बहुत क्यूट बेबी है। कैसा लगा तुम्हें मेरा बेटा? बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल अपनी मां पर गया। अरे नूरमी, आप
तोहिन साहब को उठाया क्यों नहीं? अरे सोए हुए बच्चे को यूं उठाने से ना उसके दिमाग पे असर हो जाता है, सोने दो। ये छोटी सी बात तो इन साहबजादे को सिखानी होगी कि इस घर में नूर अम्मी को कोई इंतजार नहीं करवा सकता। उठो चलो। क्या कर रही हो? शाबाश, देखो आपसे मिलने कौन आया है। नूर अम्मी आई है। देखा, रुला दिया ना, मैं कह रही थी मत उठाओ। अच्छा सुलाओ इसे, सुलाओ वापस। हाँ मैं जा रही हूँ। जब इंसान को वो मिल जाए जिसके लिए वो जिंदगी भर तरसा हो तो ऐसे लगता है कि उसको नई जिंदगी मिल गई। आफरीन, मैंने नूर अम्मी को जिंदगी भर इतना खुश कभी नहीं देखा। कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए खुद को तकलीफ देनी पड़ती है। हमारी कुर्बानियां रंग ले आई आफरीन, तुमने नूर अम्मी को एक नई जिंदगी दी। मैं जानता हूं तुम इनसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो और कभी भी नूर अम्मी को तुम आज आने तो की। फसल काटने के बाद भूसे को जला देना चाहिए। वक्त आ गया है कि आफरीन को बेनकाब करके इस घर से निकाल दिया जाए। अफशा आपी, आपकी खामोशी की वजह जान सकती हूं? वो बच्चा है, गंदम का दाना नहीं जिसे भूसे से अलग कर दिया जाए। मतलब? मतलब वो अभी बहुत छोटा बच्चा है हानिया, उसको उसकी माँ से अलग नहीं कर सकते। क्या ऐसे बच्चे बड़े नहीं होते जिनकी माँ उन्हें पैदा करते वक्त मर जाती हैं? क्या हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि आफरीन भी मर चुकी है और वो उस बच्चे का ख्याल मैं रखूंगी? वो जहांजेब की औलाद है, इस घर का बेटा है, मैं उसको माँ से बढ़कर प्यार दूंगी। हानिया, तुम तो बदले की आग में बिल्कुल अंधी हो चुकी हो। मैंने मोहब्बत में जहांजेब को पाने के लिए एक आध झूठ क्या बोल दिया, पूरा खानदान पत्थर उठा के खड़ा हो गया। और वो आफरीन पूरे खानदान की इज्जत को पामाल कर रही है और आप लोग आंखें फेरे खड़े हैं। मैं आफरीन के गुनाहों की सजा उस मासूम को नहीं दूंगी। अभी बच्चा छोटा है, फिर आप कहेंगे बहुत अटैच हो गया। मेरी मोहब्बत गुनाह लगती है आपको, लेकिन आफरीन के गुनाह भी कबूल है। मैं खुद ही देख लूंगी। हानिया रुको, रहने दो सोफी। इस वक्त हानिया कुछ भी सोचने या समझने की कैफियत में नहीं है। हाँ, लेकिन नूर अम्मी को पता चल गया तो? मैंने आफरीन को वक्ती तौर पर कबूल नहीं किया, पूरी जिंदगी के लिए कबूल किया है उसे। जहांजेब तो मेरी सुनता नहीं है। आप प्लीज नूर अम्मी को समझाएं, उसके बाद हम आफरीन और बच्चे को लेकर वापस चले जाएंगे। कितनी देर से लेकर टहल रही हो? उसको बैठ जाओ, थक जाओगे। मैं क्या करूं, ये कहते हैं कि हाथ में उठाकर टहलती रहो तो चुप रहूंगा। जैसे ही बैठती हूँ रोने लग जाता है और फौरन उठ जाता है। इसको जरा बड़ा होने दो, इस बदमाश की मैं खूब डांट लगाऊंगा। ब्लू कलर है सारे, तुम्हारे फेवरेट भी तो है, और शादी से पहले तुम बहुत पहना करती थी।
गिनती के मोहब्बत के लम्हात प्यार की आग को कम नहीं होने देते। वरना मैंने तो सुना है कि वक्त के साथ शौहर की मोहब्बत कम हो जाती है। वो इश्क की क्या जिसकी आग पर वक्त का असर हो जाता है। लगता है आपने कभी इश्क नहीं किया मैडम। आपका सवाल सुनकर मुझे शक हो रहा है कि आप तो मुझे अच्छी तरह जानते ही नहीं है। आप हमें वक्त ही ना देती हैं मैडम। तो ये बच्चा भी तुम्हें शर्म नहीं दिला पाया कि तुम इस घर की क्या लगती हो। तुम आज के बाद तुम मुझे इसके करीब नजर ना आना। अच्छा तुम जाओ यहां से। ये मेरी मजबूरी है कि इस बच्चे की वजह से मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं फेंक सकती। लेकिन खुदा का वास्ता है इतना ना आजमाओ मुझे कि मेरा सबर का पैमाना लबरेज हो जाए। आज तुम पहली बार हमारे बेटे के लिए कपड़े लेकर आए थे। लोग तो जिंदगी भर पहले कपड़ों को संभाल कर रखते हैं। सोच रहा हूं जाने अनजाने में मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो कुदरत मुझे इतना तड़पाती है। तुम पछता रहे हो मुझसे मोहब्बत करके? शादी हो गई लेकिन अपनी बीवी को बीवी नहीं कह सकता। बच्चा हो गया लेकिन अपने बच्चे को बच्चा नहीं कह सकता। उसके साथ वक्त नहीं गुजार सकता। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता। हमें सबको सच सच बताना होगा। तुम जानते हो ना ये सच नूर अम्मी की जान ले सकता है। तो इसका जिम्मेदार जहांजेब होगा तुम नहीं आफरीन। जिम्मेदार जो भी हो लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया कैसे माफ कर पाऊंगी खुद को? और जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए खुद को माफ कर पाओगी या मेरे जज्बात की तुम्हारे लिए कोई अहमियत ही नहीं है? बिल्ली जब कबूतर पे हमला करने वाली होती है ना तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कबूतर गायब हो जाता है। अफशा मैं कभी कभी सोचता हूं काश तुम्हारी शादी हो गई होती और तुम अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफ होती कि तुम्हें दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने का वक्त ही ना मिलता। मेरी जिंदगी को खत्म करने वाले तुम ही हो, भूल गए? तो तुमने फैसला किया कि तुम अब मेरी जिंदगी खत्म कर दोगी? मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रही हूँ यू फूल, इसीलिए कह रही हूँ मुर्तजा और आफरीन को एक छत के नीचे ना रहने दो। तो क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है नूर अम्मी ऐसा होने देंगी? इस तरह तो आफरीन पे और बातें बनेंगी। मैं क्या करूँ, उसको बदनाम कर दूँ? तो तुम सोफी और आफरीन को यहाँ से लेकर चले जाओ प्लीज। इस घर पर और अपने आप पर रहम करो और इस घर को बर्बादी से बचा लो।
ख्याल है? नहीं नहीं, इट्स ओके, सोने दो। इसे वो प्यार तो महसूस करने दें जो आपकी आंखों में है। कितना प्यारा है ना, माशाल्लाह, सो क्यूट। बच्चों को कोई अंदाजा ही नहीं हो सकता कि वो एक औरत की जिंदगी में कितनी मायने रखते हैं। आप मायूस ना हो, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आपकी गोद भी भर जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा आफरीन, मैं और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हैं। मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती आफरीन। औलाद, एक ऐसा शौहर जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हो, बहुत बड़ी खुशनसीबी है आफरीन, कदर करो इसकी। आफरीन, मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करती हूँ और बहुत चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारी मिन्नत कर रही हूँ, प्लीज अपना घर बचा लो। खुदा जानता है कि मैंने हजारों रातें दुआएं की हैं तुम्हारी जगह पे पहुंचने के लिए। कभी कभी मेरा दिल चाहता है इस दिल में दबे हुए दरिया को बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ ऐसा करने से ये घर डूब जाएगा। मैं भी आपके दिल से इज्जत करती हूँ, इसीलिए हजारों रातें दुआएं की हैं और हजारों रातें दुआएं करूंगी कि अल्लाह आपको कभी मेरी जगह ना दे। इफ़ी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो हमें चम्मच यूज करनी चाहिए। एक काम करो, मुस्तफा को मचे दो और पीछे जाके खड़ी हो जाओ। मुर्तजा तुम्हारी आवाज पर भी दरवाजा नहीं खोलेगा, वो बहुत नाराज है। वो मेरा काम है, तुम अपने काम से काम रखो, लेकिन हाँ तकलीफ जरूर होगी। किसे? पीछे जाओ जल्दी से। मुस्तफा, क्यों रो रहा था? भाई जब बेबी को पापा नहीं मिलेंगे तो बेबी रोएगा ना। झूठ बोल रहे हो ना तुम, तुमने रुलाया इसे। हाँ लेकिन आप दरवाजे ही नहीं खोल रहे थे। ना खूबसूरत लग रहा है ना मेरा बेटा। भाई इफ़ी का बेटा है, खूबसूरत तो होना ही है ना। अरे ये क्या बात हुई, हम किसी से कम है क्या? लेकिन मामू इफ़ी की तो वो वाली बात है ना, लाख तुझसा हसीन लेकिन तुझसा कहाँ, है ना इफ़ी? तुमसे तो पूछने बेकार है, खैर तुम तो हो ही आफी के दीवाने, हम मुस्तफा से पूछते हैं। मुस्तफा बताओ कौन ज्यादा प्यार है, कौन ज्यादा प्यार है, बाबा के मामा? बताओ मुझसे। थैंक यू रामिस। रामिस आ रहा हूं मामा। मैं बहुत जल्द तुम्हारी ट्यूशन लगवा रही हूँ ताकि स्टडीज में भी तुम्हारा टाइम लगे। आप झूठ बोल रही हैं, आप बेबी को मुर्तजा मामू से दूर रखना चाह रही हैं।
और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब आफरीन को जब जब मौका मिलता है डांटती है। मैं इतना छोटा नहीं हूँ जितना मुझे समझती है मामा। रामिस, कुछ बातें समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो और कुछ बातें समझने के लिए आप बहुत सेल्फिश हैं। वरना आप ये फील कर लेती कि आफरीन कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। बेटा, तुम बड़े होगे ना तो तुम्हें समझ आएगी, दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। और यही बात आपको समझने की जरूरत है मामा कि हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखती है। आफरीन तुम्हें क्या पट्टियां पढ़ा रही है? नहीं मामा, मुझे यकीन है वो मेरे खिलाफ तुम्हें सिखा रही है जो तुम मुझे बता नहीं रहे। बस आज के बाद तुम आफरीन से बात नहीं करोगे। मंजूर है, लेकिन एक शर्त पे कि मैं कभी आपसे भी बात नहीं करूंगा। रामिस, आफरीन मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने जहांजेब की खुशियों के लिए दुआ ना मांगी हो, और तुम मेरी दुआओं का सिला बनकर इस घर की तारीखियों को दूर करने आई हो रोशनी बनके। मुझे मालूम है कि तुम मना करोगी, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहती हूँ। मेरी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा है जो मैंने तुम्हारे और मुस्तफा के नाम कर दिया। रमी, ये क्या कर रही हैं आप और क्यों कर रही हैं? मुझे कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कुछ नहीं चाहिए। प्लीज नूरमी, ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने तुमसे कहा था जहांजेब से शादी कर लो। मैं जानती थी मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी मांग रही हूँ, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे एक लम्हे में मुझे अपनी जिंदगी दान कर दी। उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम्हें एतराज क्या है। मतलब तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास है, जहांजेब का हिस्सा जहांजेब के पास है। मैंने अपना हिस्सा दिया ना उन दोनों को, और फिर मुस्तफा कौन है? जहांजेब का बेटा। आफरीन कौन है? जहांजेब की बीवी। मी, मुझे लगा था कि किंजा के तजुर्बे के बाद आप कुछ सीख गई होंगी। आपने किंजा के नाम प्रॉपर्टी करी, वो सब कुछ लेकर भाग गई, और अब मुझे लगता है आफरीन भी कोई यही खबर देने वाली है। अम्मी, इंसान जब गिरने पर आता है ना, अपना किरदार तो क्या वो ये तक भूल जाता है कि वो अशरफुल मखलूक है। दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह जानता है अम्मी, इंसान तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। सही कहा, इंसान दिलों के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकता, भले उसकी अपनी ही औलाद क्यों ना हो। अच्छा बैठो, बैठ। मुझे बताओ तो आखिर वो क्या बात है जो तुम आफरीन के खिलाफ दिल में लिए घूम रही? जाने अनजाने में अगर आफरीन से कोई गलती हो भी गई है तो बेटा उसके साथ बैठो, उससे बात करो। वो आफरीन है, वो हमारे दरमियान पलकर बड़ी हुई है, तुम्हारी बहनों की तरह है। हम दोनों जानते हैं उससे ज्यादा साफ दिल तो किसी का हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ बेटा, इस घर की खुशियों को खराब मत करो, प्लीज बेटा, प्लीज। अखियां नूं रहण दे, अखियां दे कोल कोल।